गाइस, आई एम मोमेदान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 14 फरवरी, तो आज है महाशिवरात्रि, साथ के साथ आज है वैलेंटाइंस डे। तो आप सबको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। और वैलेंटाइंस डे में मैं घर में हूँ, काम कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी सिस्टर जो है वो भी चली गई है और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, एंड मैं घर में हूँ अकेले काम कर रही हूँ। सो नो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन। सो आज का दिन नॉर्मल दिन है और मेरे हस्बैंड शायद आज नहीं आएंगे लंच पे, उनको कुछ ज़रूरी काम है। और मैं क्या कर रही थी, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और फिर मैंने घर क्लीन किया, और घर क्लीन करने के बाद मैंने शावर ले लिया था और फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैं करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग एंड मैं अपने हस्बैंड को कॉल करूँगी कि वो आएंगे या नहीं। अगर वो आएंगे तो मैं प्रॉपरली लंच बनाऊँगी, और अगर वो नहीं आते हैं तो मैं जो मैं करती हूँ सर्वाइवल फूड, वो मैं बनाऊँगी अपने लिए। तो मैं थोड़ी देर एडिट कर लूँ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे हस्बैंड आज लंच में नहीं आएंगे, सो मुझे लंच आज अकेले करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं, जैसे कि आप जानते हो, जब मुझे अकेले लंच करना पड़ता है मैं सच कुछ बनाती नहीं हूँ। तो मैंने चावल चराया है और कल रात के डिनर के लिए मैंने दम आलू बनाया था, तो वो दम आलू थोड़ी सी है, सो मैं चावल के साथ वो दम आलू लेने वाली हूँ। और जैसा कि आज है वैलेंटाइंस डे, मेरी आज कोई प्लान नहीं है, मतलब नो प्लान, नथिंग। मैंने कोई गिफ्ट्स नहीं लिया है ना फ्लावर्स, क्योंकि बाहर जाने का टाइम भी मुझे नहीं मिला है। पता नहीं आज हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे, या सेलिब्रेट करेंगे भी या नहीं, जो भी होगा रैंडमली होगा। मुझे पता है कि आप लोग खूब सारे मस्ती कर रहे हो, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आज की वैलेंटाइंस डे, सो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस, इट्स टाइम 6 PM और मैंने वीडियो को एडिट कर दिया है, तो वो अभी सेव हो रहा है, तो सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर मैं उसे अपलोडिंग पे लगाऊंगी। आज का दिन मेरी ऐसी ही जा रही है। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आज वैलेंटाइंस डे है, हम थोड़ा बाहर भी जा सकते थे तो थोड़ा सा घूम फिर ले, पर उनको थोड़ा सा काम है, तो वो कह रहे थे हाँ आएंगे, फिर हम जाएंगे थोड़ा सा घूमने। इसलिए डेली ब्लॉग्स के लिए आप समझ सकते हो मैं थोड़ी सी बिजी रहती हूँ, इसलिए मैं उनके लिए मतलब बाहर जाके कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ भी मैं ला नहीं पाई। वो आएंगे और वो आने के बाद मैं थोड़ी कुछ प्लान करती हूँ, क्योंकि वैलेंटाइंस डे मैं अवे नहीं जाने दे रही हूँ, कुछ तो करेंगे हम। शायद हम डिनर डेट के लिए जाए, एंड मेरी वॉइस कुछ अलग सी हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि आई एम नॉट दैट गुड, और आज थोड़ी सी खांसी भी हो रही है मुझे। और मैं इस साल शिवरात्रि की पूजा नहीं कर रही हूँ। आप में से कौन कौन किया है शिवरात्रि की पूजा, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। हाय गाइस, सो मेरे हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस पे। एक्चुअली मैं वीडियो को सेव कर रही थी, फिर मैंने अपलोडिंग पे बिठाया और फाइनली मैंने वीडियो को पब्लिश कर दिया है। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो अभी हम दोनों जाएंगे बाहर थोड़ा सा घूमने, और हम जाएंगे डिनर डेट पे। सो मैं थोड़ी सी तैयार हो लेती हूँ, जल्द से जल्द फिर हम चलते हैं। सो मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार डिनर डेट पे जाने के लिए, और मुझे ऑफकोर्स स्वेटर लेनी है, मैंने थोड़ी बहुत मेकअप किया है, और मैं कुछ भी रेड नहीं पहन रही हूँ, लेकिन रेड लिपस्टिक लगाई है, और एक स्वेटर ऑफकोर्स ले जाना है क्योंकि बाहर ठंड है, और एंड एज यू नो कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सो प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर। एंड ये रही मेरी हस्बैंड, सो अभी हम हाय तो बोल दो, बोलो हैप्पी वैलेंटाइंस डे सबको, बोलो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सो अभी हम जाएंगे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और जाएंगे डिनर करने, और मैं उसी रेस्टोरेंट पे जाऊंगी जिस टाइम मैं लास्ट गई थी, क्योंकि वो रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही ज़्यादा औसम है। और शायद हम आज पिज्ज़ा ट्राई करने वाले हैं, पता नहीं, देखते हैं कि वहाँ की पिज्ज़ा कैसी है। एंड आई नो कि वहाँ की लाइटिंग थोड़ी सी ख़राब है कैमरे के लिए, पर फिर भी हम वहाँ पे जाना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि फूड इज ऑसम। सो मैं डायरेक्ट वहाँ पे जाके आपसे मिलती हूँ। We'll be right back.
आ गए थे घर और काफ़ी लेट भी हो गया है। एक्चुअली आज वैलेंटाइंस डे है, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और वहाँ पे सर्विंग थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है सर्व करने में। एक्चुअली हम खाने गए थे तो पिज्ज़ा, लेकिन पिज्ज़ा तब अवेलेबल नहीं था तो हमें चाइनीज़ लेना पड़ा। हमने लिया था वेज हक्का नूडल्स, वेज मंचूरियन एंड चिकन ताइपेई समथिंग। और ऐसा ही था हमारा आज का वैलेंटाइंस डे, मतलब कुछ भी प्लान नहीं था, रैंडमली हम गए घूमने और फिर डिनर करने गए बस। और मैंने कोई भी गिफ्ट्स नहीं दिया जैसा कि आपने देखा होगा, क्योंकि मेरे पास मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं बाहर जाऊं उनके लिए कुछ खरीदूं। बिकॉज ऑफ डेली व्लॉग्स मैं बाहर जा ही नहीं पा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी शायद वो भूल गए हैं आज वैलेंटाइंस डे, पता नहीं, पर उन्होंने भी कोई गिफ्ट्स नहीं लाया है क्योंकि वो भी थोड़ा बिजी थे, तो मैंने फ़ोन किया था इसलिए वो जल्दी जल्दी चले आए घर, तो उन्होंने भी कोई गिफ्ट्स नहीं लाए हैं और मैंने भी कोई गिफ्ट्स नहीं दिया उनको, तो अच्छा ही हुआ। एक्चुअली देना मुझे चाहिए था क्योंकि उन्होंने रोज़ डे पे भी मुझे रोज़ दिया था, टेडी बियर डे पे भी टेडी दिया था, फिर चॉकलेट डे पे चॉकलेट दिया था, तो वैलेंटाइंस डे पे मुझे कुछ देना चाहिए था पर मुझसे नहीं हो पाया। मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाई कि मैं बाहर जाऊँ। अगर कुछ भी प्लान ना करो तो ऐसा ही होना है, बस मैं ना कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मैं बस मेरे हस्बैंड के साथ अगर फुल डे एक साथ बिताऊँ तो वही मेरा वैलेंटाइंस डे होता है। मुझे बस उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है और वही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 साल पहले आज के दिन मीन्स 14 फरवरी को हम गए थे अपने हनीमून पे गोवा, तो ये टाइम आते ही मतलब फरवरी मंथ आते ही मैं गोवा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि मुझे वो सारे दिन याद आते हैं। हम दोनों बहुत घूमे थे, एक स्कूटी रेंट पे लिया था हमने और बस वो स्कूटी लेके हम तो पूरा दिन इधर से उधर घूमते ही रहे गोवा में, तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया था हम दोनों ने मिलके, तो वो दिन मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो 14 फरवरी आते ही मुझे गोवा की बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं गोवा को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ 14 फरवरी को। और आप में से जो भी मैरिड है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका हनीमून प्लेस क्या था, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे कल के लिए थोड़ी सी दाल भिगोने हैं और आमंड्स भी भिगोने हैं, तो मैं वो कर लूँ। ऐसा ही रहा, मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया है। और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेकअप वीडियो करने के लिए मैं मेकअप वीडियो करूँगी ऑफकोर्स, लेकिन इस महीने पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस महीने डेली व्लॉग्स चल रहा है और मुझे एक साथ 2 वीडियो एडिट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी भी पड़ती है, वीडियो एडिट भी करना पड़ता है, सो दोनों एक साथ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो मैं डेली व्लॉग्स फरवरी में ही ख़त्म करने वाली हूँ, सो फरवरी ख़त्म होने पर फिर मार्च में शायद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने मेकअप वीडियोस, और मार्च में बहुत सारे ब्यूटी वीडियोस आएंगे। इस मंथ के लिए ये पॉसिबल नहीं है, इस मंथ डेली व्लॉग्स ही चलेगा। और अभी मुझे करनी है मेकअप रिमूव, फिर मुझे जाना है सोने। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।